नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू कैल्क के बारे में, आज हम प्रैक्टिकल के बारे में आज हम देखेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 में जो प्रैक्टिकल टॉपिक अवेलेबल है वो प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का पहला प्रैक्टिकल, जो कि हम एक स्टेशनरी शॉप पे से कुछ आइटम्स हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में है। और जो भी शॉपकीपर हमें बिल बना के देगा वो कैसे बिल बनता है और उसकी प्रोसेस क्या है वो आज हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप का एक यहाँ पे एक बिल अमाउंट पूरा एक रेडी करके रखा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे आइटम्स हमने परचेज किया है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, नोटबुक कवर एंड वाटर बॉटल। और क्वांटिटी हमने यहाँ पे हर एक आइटम की अलग अलग यहाँ पे परचेज की है और यहाँ पे यूनिट प्राइस के अंदर पर क्वांटिटी की प्राइस यहाँ पे रखी हुई है। अमाउंट का कॉलम आपको अभी खाली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम पर्टिकुलर पेन की कितनी अमाउंट हुई, पेंसिल की कितनी अमाउंट हुई वो हम यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में आपको वहां पे टोटल दिख रहा है, यानी कि आप पांचों आइटम का जितना भी अमाउंट का टोटल होगा वो यहाँ पे आपको टोटल वहां पे देखने को मिलेगा। उसके नीचे टैक्सेस लिखे हुए हैं और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 8%। डेट मीन्स जो मेरा टोटल आएगा वो टोटल के ऊपर मैं यहाँ पे 8% टैक्स इंक्लूड करूंगा। एंड देन आफ्टर टोटल एंड टैक्सेस को मिलाकर यानी कि दोनों का समेशन करके यहाँ पे मैं नेट अमाउंट में वैल्यू एंटर कराऊंगा, जो हमें यानी कि जो भी कस्टमर होगा वो शॉपकीपर को उतनी अमाउंट देनी होगी। दैट्स व्हाई वो अमाउंट यहाँ पे नेट अमाउंट के रूप में वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। तो चलिए हर एक चीज जो आपको अभी ब्लैंक दिख रही है उसको हम फॉर्मूला के थ्रू फिलअप करें और एक्सप्लेन करें कि कैसे काम करता है कैल्क के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला फॉलो करूँ सेम फॉर्मूला आपके लिए वो अवेलेबल शायद ना भी हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग कॉलम अलग रो के अंदर डेटा एंटर किया है। और हो सकता है जब आप अपना प्रैक्टिकल करने जाओ तब भी आप यहाँ पे कोई अलग रो और अलग कॉलम के अंदर आप अपना डेटा एंटर करो। तो जस्ट यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ लेना, हर एक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला फिक्स नहीं है। फॉर्मूला में भी चेंजेस, अगर आप कोई अलग डेटा टाइप कर रहे हो या फिर अलग कॉलम रो के अंदर डेटा टाइप करोगे तो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो कि किस तरह की फॉर्मूला यूज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पेन आइटम है, उसकी हमने 5 क्वांटिटी परचेज की और एक क्वांटिटी की प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसी अप्लाई होगी जो सिंपल मैथ्स में आती है कि एक यूनिट प्राइस की कीमत 10 रुपीज है तो 5 यूनिट प्राइस की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली 5 × 10 मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे एक कॉलम के अंदर यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखने का पॉइंट थियरी के अंदर हमने भी देखा था कि जो भी फॉर्मूला होगी वो फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इज इक्वल टू साइन। तो जो भी आप फॉर्मूला लिखने जाओ वो यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू की साइन लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो टैक्स फॉर्मूला हो जाएगी यानी कि कोई आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहला इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने जो 5 एंटर किया है उसका हम सेल एड्रेस देखने जाए तो यहाँ पे मैंने F6 कॉलम के अंदर यानी कि वो सेल एड्रेस के अंदर मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया है। मेरा 5 का सेल एड्रेस बनेगा यहाँ पे F6। तो मैं यहाँ फॉर्मूला में लिखूंगा F6, मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों के बीच में तो यहाँ पे मैं हैशटैग सिंबल का यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। और जो मैंने 10 एंटर किया हुआ है उसका सेल एड्रेस अगर मैं देखने जाऊं तो उसका सेल एड्रेस मेरा यहाँ मुझे मिलेगा G6, क्योंकि वो मैंने G कॉलम के अंदर और 6 नंबर की रो के अंदर मैंने वो लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई मेरा सेल एड्रेस उसका होगा G6। तो यहाँ दोनों के बीच में मुझे जो मल्टीप्लीकेशन करना था उसकी फॉर्मूला मेरी रेडी हो गई है। जैसे फॉर्मूला रेडी हो गई मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो वहां पे मुझे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर आंसर मिल जाएगा। तो 50 इज माई आंसर, तो मुझे एक आंसर रेडी हो गया। अब मुझे पेंसिल के बारे में वो मल्टीप्लीकेशन करके मुझे आंसर लेना है तो मैं वापस से वही फॉर्मूला का यूज करूंगा, वंस अगेन इज इक्वल टू। और 4 जो डेटा मैंने एंटर किया हुआ है उसका मेरा सेल एड्रेस होगा यहाँ पे F7। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F7, वापिस से मल्टीप्लीकेशन ही करना है तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करूंगा। और वापिस से जो 2 लिखा था उसका सेल एड्रेस मेरा होगा यहाँ पे G7। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा G7 एंड देन आफ्टर प्रेस एंटर तो यहाँ पे मुझे उसका मल्टीप्लीकेशन होके आंसर मिल जाएगा। अब हर एक चीज के लिए आपको हर बार वो फॉर्मूलास लिखने की जरूरत नहीं है,
आप यहाँ पे लास्ट कॉलम जो आपने लास्ट अभी जो फॉर्मूला यूज की थी वहां पे जाओ, उस सेल पे क्लिक करो। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक डॉट दिख रहा है, उसके ऊपर आपका माउस का पॉइंटर ले जाओ। तो वो माउस पॉइंटर वहां पे चेंज होकर यानी कि एरो सिंबल से हटकर वहां से एक पतला सा प्लस सिंबल आपको देखने को मिलेगा। फिर माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के रखो और नीचे की साइड पे या फिर जिस डायरेक्शन में आपको फॉर्मूलाज वो सेम अप्लाई करानी है उस डायरेक्शन के अंदर आप क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और जहां तक ले जानी है वहां तक वो फॉर्मूला ले जाओ और वहां तक जाकर उसको फिर रिलीज कर दो, अपने माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दो। तो पूरी जगह पर आपकी फॉर्मूला वहां पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि आप देखोगे 250 फॉर्मूला बार के अंदर आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला देखने को मिलेगी F8 × G8। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो हम डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो F9 × G9 और 160 के लिए भी देखो तो भी वहां पे डबल क्लिक करो तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगी। यहाँ पे आपने गौर किया होगा तो हर एक फॉर्मूला के अंदर एड्रेस यानी कि जो भी रो का नंबर था और वो यहाँ पे वन बाय वन अपने आप इंक्लूड होते गए, यानी कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड रो की फॉर्मूला अपने आप लिखी, देन आफ्टर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 नंबर की रो के अंदर अपने आप वो 8 नंबर लिखा हुआ आ गया। फिर 9 नंबर की रो में अंदर भी देखोगे तो भी वो आ गया, एंड 10 नंबर में भी देखोगे तो भी आ गया। तो इस टाइप के अगर हम फॉर्मूलाज या फिर सेल एड्रेस का हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम रिलेटिव सेल एड्रेस हम इसको कहते हैं, जो लेटर ऑन चैप्टर के बारे में उसमें आएगा कि रिलेटिव सेल एड्रेस क्या है। तो वो अपने मुताबिक अपने आप क्या करता जाएगा, सेल एड्रेस को आगे कंटिन्यू करता जाएगा, और हर बार जो भी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन रोज एंड कॉलम हमने यहाँ पे रोज के मुताबिक फॉर्मूला यूज की थी, तो यहाँ पे रो नंबर चेंज हो गए। अगर आप कॉलम के मुताबिक फॉर्मूला लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे वो कॉलम का नाम जो होगा वो नाम चेंज होता जाएगा। अब हमारे लिए 5 आइटम के अलग अलग वैल्यूज के साथ हमारे पास अमाउंट रेडी है, तो हम 5ों आइटम का अमाउंट मिला के कितना टोटल होता है वो हम चेक करें। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल के लिए इज इक्वल टू, और आगे हम लिखते हैं सम और ब्रैकेट करेंगे। अब हम यहाँ पे सम की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो 50 लिखा हुआ है यानी कि वेरी फर्स्ट सेल के जिससे हमें समेशन स्टार्ट करना है, तो हम 50 कॉलम के अंदर जो सेल एड्रेस आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि मेरा सेल एड्रेस होगा यहाँ पे H6। तो मैंने H6 लिखा, फिर मैं कॉलन साइन का यूज करूंगा, और जो लास्ट में जहां तक मुझे वो समेशन करवाना था वो लास्ट वाली वैल्यू का सेल एड्रेस कंसिडर करूंगा, यानी कि मैं डायरेक्टली अब 160 वाला सेल एड्रेस देखूंगा। तो मेरा 160 का सेल एड्रेस रहेगा यहाँ पे H10। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H10, और जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया था वो ब्रैकेट को मुझे खत्म करना है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को एंड कर लूंगा एंड प्रेस एंटर। तो सभी आइटम्स का मिलाकर मेरा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 518। ओके, अगर आपको ये वाली फॉर्मूला यूज ना करनी हो तो बाजू के कॉलम में बताता हूँ, वो वाली फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू H6 + H7 + H8 + H9 + H10 और प्रेस एंटर, तो भी आपको आंसर वहां पे सेम टू सेम मिलने वाला है। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे मैंने पहले से थोड़ी फॉर्मेटिंग करके रखी है, डेट्स व्हाई यहाँ पे आपको टोटल रेड कलर में दिख रहा है, और टैक्सेस में भी वहां पे कुछ फॉर्मेटिंग नहीं होगी तो आपको वहां पे सिंपली दिखेगा, और नेट अमाउंट में अगर फॉर्मेटिंग होगी तो वापिस आपको उसी फॉर्मेटिंग के अंदाज में आपको वहां पे वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं काम की। अब वापिस आते हैं अपने प्रैक्टिकल के अंदर। अब टैक्सेस मुझे 8% करने हैं, और जो भी टैक्स होगा वो हम सबको पता है कि टोटल के ऊपर हम टैक्स अप्लाई करते हैं, तो मेरा टोटल है यहाँ पे 518। तो 518 के ऊपर मैं 8% टैक्स अप्लाई करूंगा, मुझे मेरा टैक्सेस अमाउंट यहाँ पे फिक्स है, मुझे 8% ही करने हैं टोटल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डायरेक्टली इज इक्वल टू 518 का जो सेल एड्रेस होगा वो सेल एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मुझे वो टोटल के ऊपर टैक्सेस अप्लाई करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 518 का सेल एड्रेस। तो यहाँ पे 518 का सेल एड्रेस है H11, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HB11। फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल का यूज करूंगा एंड डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे 8%, क्योंकि मेरी अमाउंट फिक्स है वो हर बार चेंज नहीं होने वाली, तो यहाँ पे सीधा लिख दिया 8%। आप यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू H11 × 10 / 100। तो
आपको वहां पे परसेंटेज का यूज नहीं करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड बाय 100 मुझे नहीं करना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे परसेंटेज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज इज ऑलवेज 100। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो उसी के मुताबिक वहां पे फॉर्मूला सेट हो जाएगी। तो जैसे ही फॉर्मूला हो गया, एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे 518 के ऊपर 8% के मुताबिक यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिलेगी, 41.44 रुपीज। तो यहाँ पे मुझे इतना टैक्सेस अपनी अमाउंट के ऊपर मुझे देना पड़ेगा। और आप जाके फॉर्मूला चेक करोगे तो डबल क्लिक करो वैल्यू में जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो H11 × 0.08, यानी कि हमने 8% लिखा था, डेट्स वाई 8 डिवाइड बाय 100, और 8 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.08। तो आप कोई भी हिसाब से वैल्यू अगर लिखना हो तो लिख सकते हो अपने आप, तो भी वो आंसर सही तरीके का ही आएगा। अब नेट अमाउंट है, तो नेट अमाउंट के ऊपर मुझे टोटल एंड टैक्सेस का समेशन करना है, यानी कि दोनों की वैल्यू को मैं प्लस करके यहाँ पे नेट अमाउंट में कंसिडर करूंगा। तो समेशन के लिए यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आप सबको पता ही है, टोटल में जो वैल्यू लिखी है 518 उसका सेल एड्रेस मैं यहाँ पे लूंगा, तो उसका सेल एड्रेस है यहाँ पे H11। तो स्टार्ट करूँ इज इक्वल टू, लिखता हूँ यहाँ पे H11 और प्लस सिंबल का यूज करता हूँ, और 41.44 यानी कि टैक्सेस जो भी वैल्यू आई उसका यहाँ पे सेल एड्रेस है H12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H12 और वहां पे वापस से एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरी टोटल अमाउंट यहाँ पे करने को आई 559.44 रुपीज, यानी कि मुझे 560 रुपीज अराउंड मुझे यहाँ पे करने होंगे। तो ये था जो आपका सिंपल प्रैक्टिकल था, कि आप कोई भी स्टेशनरी शॉप या फिर पर्टिकुलर कोई भी शॉप पे आप जाते हो और वहां से आप बिल परचेस करते हो कोई भी आइटम, और वहां से आपको बिल मिलता है, तो बिल अमाउंट कैसे बनता है और उसके ऊपर टैक्सेस कैसे होते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि रैंडमली कोई भी आइटम्स लो, उसके क्वांटिटी यूनिट प्राइस लिखो, और यहाँ पे अपने आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो आप यहाँ पे अपने आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। और रही बात ये सारी जो फॉर्मेटिंग की, जो मैंने टेक्स्ट कलर किया हुआ है अलग अलग, वो सब तो आई होप कि आप सबको पता होगा कि कैसे होता है, बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन, टैक्स का कलर कैसे होता है, वो आई होप कि ऑल यू आर नो दैट। सो अभी वो मैंने बताया नहीं, तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हम चैप्टर 5 के दूसरे प्रैक्टिकल की अगर बात करें जो एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल है, तो अगर उस प्रैक्टिकल की बात करें तो वहां पे हमने एक मार्कशीट क्रिएट की हुई है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर हमने यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की यहाँ पे एक मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे फिलहाल अभी टोटल एंड परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 5 का हम देखें कि जिसके अंदर मार्कशीट क्रिएट करना है और हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एंड परसेंटेज दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा रेडी है, अलग अलग 5 स्टूडेंट्स की वैल्यू और उनके मार्क यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम सीधा यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला एक स्टूडेंट है अंकित गोयल करके, तो उसका यहाँ पे टोटल देखे कि उसका जो भी एग्जाम थी वो एग्जाम में कितना टोटल आया, हर एक सब्जेक्ट का टोटल हम अगर हम यहाँ पे करने जाए तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इज इक्वल टू और फिर सम की फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें टोटल करना है, तो सम फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर यहाँ पे 65, यानी कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है 65 मैथ्स को लेकर, और मेरा एंडिंग होता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में 78 नंबर, यानी कि ये मेरा हुए टोटल अलग अलग मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, गुजराती, एसएस, संस्कृत और कंप्यूटर, तो अलग अलग यहाँ पे 7 सब्जेक्ट के मार्क्स हुए। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करूंगा रेंज मेरी 65 से लेकर, यानी कि उसका मेरा सेल एड्रेस में चेक करने जाऊं तो वहां पे होगा मेरा C5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C5, फिर वहां पे कोलन करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल रेंज आइडेंटिफाई करनी है, मुझे यहाँ पे सेल रेंज का एग्जांपल देना है, तो वहां पे कोलन सिंबल का यूज कर मैं यहाँ से अपने लास्ट सेल एड्रेस पे आऊंगा, यानी कि मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स जो कोलम में लिखे हुए है और उसका सेल एड्रेस यहाँ पे होगा I5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I5, ब्रैकेट ओपन किया था वो ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे 7 सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पे आएगा 441। ओके, फिर जैसा हमने आगे के प्रैक्टिकल में देखा था,
कि यहाँ पे जो आपको एक्टिव सेल के नीचे जो भी आपको ये छोटा सा डॉट दिख रहा है उस डॉट के ऊपर जाओ, आपका पॉइंटर वहां पे छोटा सा पतला सिंबल प्लस वाला आपको देखने को मिलेगा, फिर माउस का लेफ्ट बटन पकड़ कर रखो और नीचे की साइड पे उसको क्या कर दो, ड्रैग कर दो, तो आपको सभी के आपको टोटल होकर यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज हम एवरेज निकालेंगे, हर एक स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, तो एवरेज के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू जो भी एवरेज आएगा वो यहाँ पे टोटल की वैल्यू के ऊपर आएगा, यानी कि हम यहाँ एवरेज निकालने के लिए टोटल का सेल एड्रेस का यूज करेंगे। टोटल का सेल एड्रेस यहाँ पे होगा फर्स्ट स्टूडेंट का J5, और एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट को काउंट किए थे आगे अभी, तो हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट मिले थे टोटल 7, तो यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम करेंगे, यानी कि टोटल की सेल एड्रेस की वैल्यू हमने लिख दी J5, यहाँ पे डिवाइड के लिए हम यहाँ पे स्लैश सिंबल का यूज करेंगे, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हमारे 7 आए थे वो डायरेक्टली हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लिए 7 वो नंबर एक कॉमन रहेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट 7 ही है, और लिखकर यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे उसके परसेंटेज निकल जाएंगे। और वापिस से जो भी हमने फॉर्मूला लिखी थी उस सेल पे जाओ, और जो भी आपको छोटा सा पतला डॉट दिख रहा है वहां से उसको पकड़ कर नीचे क्या कर दो, ड्रैग कर दो, तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के परसेंटेज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखकर उसकी मार्कशीट आप बनाकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और जो भी फॉर्मूला अभी सिखाई कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करना था, टोटल कैसे कर सकते हो, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, तो वो फॉर्मूला का आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल कैल्क विंडो के अंदर किया हुआ है, अगर आपके पास कैल्क सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना है, openoffice.org अवेलेबल नहीं है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी ये काम कर सकते हो, सेम फॉर्मूला के साथ आप काम करोगे, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों चीज कॉमन ही है, आप कैल्क ले लो या फिर एक्सेल ले लो, सिर्फ यहाँ पे उसका लेआउट में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, मगर काम दोनों का सेम ही है, तो अगर आप वही चीज वही फॉर्मूला को सेम लेकर आप एक्सेल में काम करोगे तो भी आपको वो काम हो जाएगा। बस याद इतना रखना है कि सेम फॉर्मूला का यूज मत करना और सेम डेटा का भी यूज मत करना, अपने आप लेकर करोगे तो वो थोड़ा आसान रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आई होप के चैप्टर नंबर 5 के दो प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको जो भी जानकारी मिली, जो भी आपको फॉर्मूलाज और जो भी आपको सिखाया वो आप सबको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।